As per the discussion yesterday, it was decided that there will be a case registered. So we have already registered the case. And secondly, a special investigation team will be constituted. So we have constituted a special investigation team consisting of 7 members, which is headed by a DYSP rank officer, Sri Kengo Dirchi, DYSP headquarters, capital. Then we have 4 inspectors, 1 sub-inspector and 1 constable. So this investigation team has been asked to submit their progress report on a daily basis. And as we speak, the team is on the ground and we are conducting the investigation. We hope yesterday we lost some crucial time in terms of investigation, but hopefully now with today's activities and going ahead, we will be able to do a proper investigation. So sir, abhi filhal investigation kahan se aap log shuru kar raha hai and kahan par ho raha hai? Can you keep us some information on that? हाँ, इन्वेस्टिगेशन को हम एकदम हर सिरे को डिटेल में कर रहे हैं, तो इसीलिए जो सीन ऑफ क्राइम है उसका डिटेल एनालिसिस जो हो गया, इसके अलावा जितने भी विटनेसेस हैं उनका स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स हैं उनका डिटेल इंट्रोगेशन करना, और जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करना, जैसे सीसीटीवी फुटेज हो गया या फोन रिकॉर्ड्स हो गया, इस तरह के जितने भी टेक्निकल इनपुट्स हैं सबको हम कलेक्ट कर रहे हैं. जैसे आपको मालूम है पोस्टमार्टम ऑलरेडी कल कंडक्ट हुआ था, तो उसके भी रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं, और वो रिपोर्ट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हर एक पहलू को क्लियरली एकदम डिटेल में देख रहे हैं. एंड ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं ही नहीं बल्कि पुलिस हेडक्वार्टर्स भी और सरकार की तरफ से भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, एंड वी आर होपिंग दैट वी कैन डू जस्टिस टू द इन्वेस्टिगेशन. एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सही जो ट्रुथ है उसको फाइंड आउट करेंगे. सो सर, दैट मींस अभी ऑलरेडी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो ऑन द ग्राउंड में ही काम कर रहे हैं, एंड देन कुछ डेटा भी अभी कलेक्ट कर रहे हैं अभी तक, तो अभी तक कुछ ऐसा लीड या फिर लीड आने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन कुछ है सर? जैसे कि मैंने बताया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जब तक कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं होते हैं आई कैन नॉट से एनीथिंग कंक्लूसिवली. हाउएवर हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं, एंड क्योंकि ये डे टू डे बेसिस में काम कर रहे हैं और टीम अलग से ही कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हम इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन में लेके आ सकेंगे, जो सच्चाई है उसको पता लगा पाएंगे. एंड दो एलिजिबल एसआईसी इंस्पेक्टर भी थे, तो अभी तक उनका क्या हुआ है, कुछ इंटरोगेशन में? सब केस, जितना भी हमारे केस से रिलेटेड लोग हैं, सस्पेक्ट्स हो या विटनेसेस हो, सबका जांच हम एक एक करके कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं. एंड हम इसमें हर पहलू को, केस के हर जो पहलू है उसको एकदम बारीकी से जांच कर रहे हैं. अभी सर वो लोग कहाँ पर है आप हमें बता पाएंगे? नहीं, मैं किसी का वेयर अबाउट्स नहीं बता सकता, लेकिन जो भी जांच पड़ताल है वो जोर शोर से हम कर रहे हैं. डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है. एंड और एक क्वेश्चन है, तो अभी तक जैसा ये सडनली ऐसा हो गया एंड सडनली आप लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाना पड़ा, तो ये आप लोग का डिपार्टमेंट के लिए, आप लोग का टीम के लिए कितना चैलेंजिंग हो रहा है सर अभी? एंड देन आप लोग का टाइमलाइन भी है कि मीट वीक तक खत्म हो जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन जो? देखिए, टाइम हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन का फिक्स टाइमलाइन नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हमने मेंशन किया है, इसको हम एक फास्ट ट्रैक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल दो टीम हमने गठित किया है, हाउएवर हम उससे पहले ही हम मल्टीपल टीम्स को ग्राउंड में हमने लगा ही रखा था, एंड अभी इसको फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. प्लस जो इन्वेस्टिगेशन है इसको हम जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमें सच्चाई जो है पता चल जाए, और जैसे ही पता चलेगा अकॉर्डिंगली जो भी नेसेसरी फर्दर स्टेप होगा वो लिया जाएगा.